आप सभी को मेरी तरफ से कुंभ मेले का निमंत्रण पत्र। आप सबको निमंत्रण पत्र प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आपने ये वीडियो देख लिया। मैं बताती हूँ आपको कहाँ आना है। वर्ष 2019 स्थान इलाहाबाद। जी हाँ, इलाहाबाद शहर में संसार का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। 15 जनवरी 2019 को आपको कुंभ क्षेत्र में रहना अनिवार्य है, क्योंकि इसी दिन पवित्र स्नान तिथि है, जिसमें स्वर्ग से भी सभी देवता और स्वयं भगवान विष्णु स्नान करने धरती अदृश्य रूप में आते हैं। ऐसी सुंदर बेला में आपको भी जरूर माँ गंगा के जल में डुबकी लगाना चाहिए। मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यही नहीं, कई जगहों पर तो मृत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी दान करने का भी विधान है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद भी बांटा जाता है। कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। खगोल गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलिक मान जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहां स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए, तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारे से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव दानवों में 12 दी न तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदे गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए ए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत किया गया। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। जिस समय में चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस समय कुंभ का योग होता है, अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंद गिरी थी, वहां वहां कुंभ पर्व होता है। हमें आशा है आप सब कुंभ अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे
और हाँ, अपने आसपास के लोगों, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन सबको भी कुंभ निमंत्रण पत्र प्राप्त हो सके।